बात करते हैं गेहूं की हो रही बर्बादी पर। एक तरफ सरकार दूसरे प्रदेशों के गेहूं पर रोक लगाने के तमाम दावे करती है, लेकिन वही हरियाणा के जिला अधिकारी और मार्केट कमेटी के अधिकारी सरकार के दावों की हवा निकाल रहे हैं। मामला हरियाणा के पलवल जिले का है। पलवल जिले की सीमा उत्तर प्रदेश जिले से जुड़ी हुई है, जिसका फायदा जिले के आढ़तियों के साथ साथ अधिकारी भी उठा रहे हैं। पलवल जिले की सभी मंडियों में उत्तर प्रदेश से लाया हुआ गेहूं भारी मात्रा में लाकर उनको सरकारी कट्टों में भरा जा रहा है और एक्सेस फंडिंग को पूरा करने का खेल अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। जब इस धांधलेबाजी को लेकर बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश की जाती है तो वो ना मिलते हैं और ना ही फोन उठाते हैं और अपने छोटे अधिकारियों को बयान देने के लिए भेज देते हैं। तो मामला है मार्केट कमेटी पलवल का, जहां पर कि दूसरे राज्यों का गेहूं खरीदा जा रहा है, सरकारी कट्टों में भरकर धोखाधड़ी की जा रही है। जिस तरीके से अगर बात करें हरियाणा की, तो दूसरे प्रदेशों का गेहूं यहां पर मान्य नहीं है, सिर्फ हरियाणा का गेहूं ही आढ़ती खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं सवाल उठता है सरकार पर भी, प्रशासन पर भी। खड़े हैं जिलाधिकारी पलवल के ऑफिस पर, जहां पर हम कल उनसे लगातार दो दिन से मिलने का समय मांग रहे हैं अनाज खरीद घोटाले के मामले में, लेकिन लगातार उनसे फ़ोन करने के बावजूद ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं। और अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, मैं यहां पे मिलने के लिए भी आया हूं और काफ़ी देर से उनसे समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। संजय गुप्ता, खबरें अभी तक। तो संजय गुप्ता है इस वक्त हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरीके से अब प्रशासन कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, जिस तरीके से ये धांधली हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पलवल जिले का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला है। सरकार जब खरीद करती है तो उनका मकसद होता है कि ये जो गेहूं है, अपने स्टेट का जो गेहूं है, हरियाणा राज्य का जो गेहूं है, वो किसानों का मंडियों में खरीदा जा सके। आढ़ती क्या करते हैं, जो व्यापारी है वो क्या करते हैं कि यूपी से गेहूं लाकर उसको हरियाणा में पहले वो सस्ती दर पे खरीदते हैं, उसको वो 100 रुपए के आसपास का कमीशन लेके और वो सरकारी कट्टों में भर के उसको सरकार को सौंप देते हैं। इसको एक्स्ट्रा बीडिंग की जाता है, एक्सेस बीडिंग कहा जाता है। इसके बाद में जब ये समाचार हम तक पहुंचा या फिर ये जानकारी हम तक पहुंची, तो उसके बाद हमने जिलाधिकारी डीसी से बात करने की कोशिश की, वो हमसे लगातार बात करने से बचते रहे। जी, उसके बाद में जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है, जिनकी की इसमें जवाबदेही होती है, उनसे बात करने की कोशिश की, वो हमसे बचते रहे। इसके बाद उनके ऊपर के अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रूप में हैं, गोयल साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। जैसे ही उनको उन्होंने फोन उठाया, मैंने उनको मामला समझाया, तो मामला समझाने के बाद वो लगातार उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, जो कि उन्होंने चेक कर लिया था, उसके बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं कर फोन ना उठाने का कारण या फिर जवाब ना देने का कारण सीधा सीधा समझ आता है कि इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह इन लोगों की बन चुका है। बिल्कुल, प्रशासन की नाक के नीचे सब हो रहा है, प्रशासन जवाब नहीं दे रहा। आखिर किसकी जिम्मेदारी, अब किससे बात की जाए? जी बिल्कुल, यही समझ नहीं आ रहा कि लगातार हम लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम जवाब दे ही चाहते हैं कि हरियाणा के किसान का गेहूं ना खरीद के व्यापारियों का, जो उत्तर प्रदेश से ये लोग घपला कर रहे हैं, उसका उनका गेहूं सरकारी गोदामों में जमा कराया जा रहा है और अभी भी करीबन 1 लाख कट्टे व्यापारियों पे सरकार के बकाया हैं, लेकिन इनकी मिली भगत से ये सारा मामला इस तरीके से चल रहा है ना। तो इसमें, और कल एक खास बात बताऊं कि इसमें कल जिलाधिकारी ने, मेरे को अंदरूनी सूत्रों से पता लगा है और वो सूत्र बिल्कुल ठीक है, कि जिलाधिकारी ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, हमारी खबर जब से चलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और उनको धमकाया कि वे जल्दी से जल्दी इस गेहूं को जमा करो, लेकिन कहीं ना कहीं कर वो बचने की कोशिश जिलाधिकारी इसलिए कर रहे हैं कि उनका स्टाफ या कोई ना कोई आदमी इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह घुस चुका है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आढ़तियों और प्रशासन की मिलीभगत के चलते प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। जो पैसा हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए था, वो पैसा आढ़ती यूपी का गेहूं खरीदकर गर्व कर रहे हैं, उस पैसे से घोटाला किया जा रहा है। हरियाणा के किसानों का जो अनाज है मंडियों में सड़ रहा है, इंतजार कर रहे हैं किसान की खरीदारी हो, लेकिन आढ़ती उस पैसे से धांधलेबाजी कर रहे हैं।